लेमरा न्यूज आज ही सब्सक्राइब करें लेमरा न्यूज और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नाज़रीन आदाब, मैं हूं अथर काज़मी और आप देख रहे हैं लेमरा न्यूज पर यह खास प्रोग्राम। हम बात कर रहे हैं उन बच्चों की जिन्होंने अभी गुज़श्ता एग्ज़ाम में नुमाया नंबरों से कामयाबी हासिल की है। हमारे साथ CMS के एक बहुत होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने 10th में 98.4 परसेंटाइल के साथ अपना नाम रोशन किया है, और उनके फादर जो एक बहुत जाने माने जर्नलिस्ट हैं, राइटर हैं, उन्हीं की ये औलाद हैं, जनाब एहसन लाल साहब यानी सरदार नकी लाल साहब के साहबजादे। आइए हम बात करते हैं कि आज के इस मौके पर कि उनको किस तरह की फीलिंग है आ रही है और आगे फ्यूचर में वो क्या बनना चाह रहे हैं। हम लोग इस्तकबाल करते हैं और इस गुफ्तगू का आगाज करते हैं। बहुत मुबारक हो तुम्हें। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? बाखर नकी। बाखर नकी। सब्जेक्ट में कोई ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको बहुत अच्छे लगते? फिजिक्स। फिजिक्स। किस तरह से पढ़ाई की है आपने, तैयारी किस तरह से की है, और इस तैयारी में सबसे ज्यादा अहम किरदार किसने निभाया? मम्मी का। मम्मी। तो अभी आपको लगता है कि जो नंबर आए वो आपको मुतमईन करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं? हाँ। ठीक है, आगे क्या करना है, किस तरह से अपनी तैयारी करके क्या बनना है इन फ्यूचर? इंजीनियरिंग में जाना है। कौन सा ट्रेड आपको, कौन सा सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग में अच्छा लगता है? फिजिक्स। फिजिक्स नहीं, इंजीनियरिंग में ब्रांच कोई ऐप से आपने सेलेक्ट की है, कौन से किस ब्रांच से आपको बीटेक करना है? कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस। तो अभी जो जिस तरह से जो प्रॉब्लम आई है कोविड की, उसमें किस तरह से तैयारी कर रहे थे, कैसे पढ़ाई कर रहे थे, कितनी देर की स्क्रीनिंग रहती थी आपकी? एक दो घंटे की। एक दो घंटे की। तो सारे टीचर्स से आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं ऑनलाइन? हाँ। चलिए, अभी 11th की तैयार शुरू हो गई है पढ़ाई, मैं देख रहा था कि आप पढ़ रहे थे यहाँ पे, तो अभी किस तरह से फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ को आप लेकर चल रहे हैं? एक साथ सब पढ़ रहे थे। सब पढ़ कर रहे हैं। तो कोई कोचिंग या कुछ इस तरह से आपने कोई ट्यूटर लगवा रखा था? नहीं। आपके फादर एक जर्नलिस्ट भी हैं आपको पता है, तो किस तरह से उन्होंने मदद किया? सारी चीज़ें, लैपटॉप, वाईफाई, ब्रॉडबैंड, ये सारी प्रोवाइड किया? जी। चलिए, और मतलब पढ़ाई उधर मम्मी ने साथ किया बैठ के आपके साथ? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करेंगे और आगे कामयाब रहेंगे। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपने देखा किस तरीके से बच्चे के अंदर वो जो चीज़ें होती हैं, एबिलिटी, वो निकल कर आती हैं, और बहुत खामोश और बहुत ही अपने आप को हर तरह की एक्टिविटी से दूर रखते हुए सिर्फ पढ़ाई के साथ इस नुमाया कामयाबी का हम उनको मुबारकबाद देते हैं, और उनके वालिदैन को भी इस उम्मीद के साथ कि रोशन मुस्तकबिल होगा, और जो बच्चा जाना चाहता है जिस फील्ड में यानी इंजीनियरिंग की फील्ड में, अल्लाह उसको कामयाब करे और आने वाले दिनों में एक रोशन मुस्तकबिल उसका इंतज़ार कर रहा है। मोहम्मद नौशाद बिलग्रामी के साथ मैं अथर काज़मी, लिमरा न्यूज़, लखनऊ।